हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, मैं जा रही हूँ वापस लद्दाख से, और मंसूर भाई की शादी थी, बहुत एंजॉय किया। और मंसूर भाई ने लास्ट डे मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है यहाँ पर, और मुझे नहीं पता था। उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे रूम बुक कराया था, ग्रैंड हिमालय होटल है यहाँ पर लेह में, लद्दाख में, और बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ ताकि आप जब भी लेह आएँ तो यहाँ पर ज़रूर एक बार स्टे करें। तो सबसे पहले तो मंसूर भाई को थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना अच्छा मेरे लिए गिफ्ट प्लान किया। तो थैंक यू सो मच मंसूर भाई। तो मैं आपको अब होटल दिखाती हूँ गाइज। ये एंट्री है, पूरा पैलेस टाइप का है गाइस। इसका नाम है ग्रैंड हिमालय। ये है लेह में और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लाइक वाओ। और ये इसकी एंट्री है, और ये है डिनर के लिए। आप यहाँ पे डिनर कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। ये रिसेप्शन है, और इधर स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। ये ट्रेडिशनल वो है जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो सारे ऑल मेड ऑफ एल्युमिनियम्स एंड कुछ मिट्टी के बने होते हैं, मोस्टली एल्युमिनियम के होते हैं। ये है ट्रेडिशनल थप बोलते हैं उसको कारगिल लैंग्वेज में, जिसमें लकड़ी डाल के फिर वो आग लगा के फिर डिफरेंट, इसमें बहुत सारे पोजिशन होते हैं जिसमें खाना पकाते हैं। ओके, और इधर बैठने का सिस्टम है। एंड दिस वन, ये है नून चाय जिसमें बनाते हैं, नून चाय नमकीन चाय। ओके, नमकीन चाय, समझ गई। हमारे यहाँ भी नमक को नून बोलते हैं। हाँ, नमकीन चाय जिसमें बनाते हैं, इसमें अच्छे से उसको मिक्स करके फिर बनाते हैं। और इसमें लस्सी भी बनाते हैं, और इसमें मक्खन भी बनाते हैं इसमें। ओके, वो दही वही रखते हैं पुराने टाइप के, उसमें रखते हैं। एंड जिससे बुखारी, एंड इसको देख बोलते हैं, देख जिसमें वो खाना वाना बनाते हैं ना, देख। हाँ, हम इसमें वही आग वाग लगा के इसमें निकाल। तो ये करते भी होंगे ऐसा, या ऐसे वैसे करते हैं? गांव-गांव में ट्रेडिशनल उसमें आते हैं सब, ट्रेडिशनल उसमें करते हैं सब। इधर है लिफ्ट, ये है मेरा स्वीट होम आज के लिए, 2013 नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 3 है। और ये है एंट्री, एंट्रेंस। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके बैठने के लिए यहाँ पे खूब सोफा लगा है, चेयर्स लगी हैं, बहुत अच्छा सा इन लोगों ने एक किया हुआ है। आप यहाँ पे मीटिंग्स कर सकते हो और लोगों से मिल सकते हो जिनको आप अंदर नहीं जाना चाहते। और अंदर मैं दिखाती हूँ, यह है गैलरी। तो गाइस, डाइनिंग हॉल के बाद में ये अंदर बेडरूम के लिए रास्ता गया है, यह है गैलरी। और इधर है बाथरूम, ये है मास्टर बेडरूम, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब लाइक पूरी फैमिली अगर आए तो भी वहाँ यहाँ पे आराम से रह सकती है। और काफ़ी बड़ा है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और मंसूर भाई को तो दिल से बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया। मैं इतने बड़े घर में आज अकेले सोने वाली हूँ, इतने बड़े रूम में, घर ही लग रहा है वैसे ये। और इधर भी एक सोफ़ा दिया हुआ है, तो मैं भी शायद मैं यहाँ पर फोटो सेशन कर लूँ। और इधर है टीवी, और यहाँ से भी बाथरूम दिखता है, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें देख सकते हो यहाँ से कि बच्चे सही सलामत हैं कि नहीं। गुड मॉर्निंग हो गई है, और मैं निकल रही हूँ, फयाज़ आएगा टैक्सी लेके, फयाज़ और नियाज भाई। थैंक्स टू द सोएब भाई जिन्होंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज करवाया था, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और अभी मेरी फ़्लाइट है, मुझे निकलना है, लेट हो रहा है। गाइस, तो मैं जा रही हूँ, वो है फयाज़, मुझे ड्रॉप करने आया था। गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूं दिल्ली, और बुआ फूफा जी का वेट कर रही हूं, दोनों जने मुझे लेने आए हुए हैं। ये आई बुआ लोगों की गाड़ी। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं, बुआ आ चुकी है, पप्पू आ चुके हैं मुझे लेने के लिए, और अभी हम रुके हैं रास्ते में क्योंकि बुआ को खरीदना कुछ सामान, हमेशा खरीदती रहती है, बस वो काम तो है नहीं, शॉपिंग। चलो अब हम दिखाएंगे हमें क्या खरीदना है। झूला अच्छा लग रहा है, बुआ कह रही है मेरे लिए ले लेते हैं, मैं इतने बड़े झूले में आ जाऊंगी। ये कितने छोटे छोटे भी हैं यार। मौसम देखो, ऐसा लग रहा है कि लद्दाख वाला मौसम मैं उठा के यहाँ ले आई हूँ। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बाबा जी की, फूफा जी ने दाढ़ी बढ़ाई थी जब बुआ को कोरोना हुआ था, उन्होंने बोला था मैं अब इसे तिरुपति बालाजी में जाके ही कटवाऊंगा, तो बेचारे तब से जा ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कब कटेंगी।
लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से, आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना। खुश रहो मेरा बच्चा, कैसा है? बढ़िया, आप कैसे? मैं बहुत अच्छी हूँ। हेलो, मैं आ गई बुआ के घर। पता मम्मी को पता भी नहीं मैं यहाँ आई। वो पता मुझे फोन करके पूछती कि हाँ। रिपोर्ट कार्ड कैसा आया। हाँ। मैं अच्छा कह रही हूँ, वो नैनीताल गए। नैनीताल गए? हाँ। मतलब हाँ नैनीताल गए। कौन? अरे मम्मी डैडी। अच्छा। मतलब हाँ नैनीताल गए। कह रही कब आएंगे? अब पता नहीं कब आएंगे, आ जाएंगे नैनीताल गए। उसके बाद वो हंसने लगी, कह रही ये भी कह रही नैनीताल गए। कह रही ठीक है बाय। नमस्ते। नमस्ते, कैसा है? अरे बढ़िया बढ़िया। मैं सारा लद्दाख से यहाँ पहुँच गई। आपको यहाँ से आने में टाइम लग रहा है ना? इंजे। हेलो, कैसे हो? हेलो, कैसे हो? पतला हूँ मैंने सुना। पतले हुए हो पहले से? हुए हो? कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं नहीं, पहले से पतले हुए हो लेकिन, है ना? चलो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की। चलो चलो, टाइम हमारे पास बहुत टाइम है बातें करने के लिए। चलते चलते बातें करेंगे, चलो जल्दी। देखो ये मेरा बेस्टी है। अच्छा। हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम बता अपना। हर्ष। ये भी मैं बताऊंगा, ठीक आगे बता। ये हमारी बिरादरी का। तो गाइस मैं जा रही हूँ अब अपने घर, क्योंकि बुआ लोग मुझे इधर ले आए थे अपने घर। अब मैं जा रही हूँ फाइनली अपने घर। हाँ। और अब मुझे छोड़ने जा रहा है ये बुआ का बेटा तनिष्क और रोहित भैया। हाँ ठीक है, कल मिलेंगे। मतलब बाय। कैसे हो? यार यार मुझे लगा मम्मी पीछे से हंस रही है। मैंने कहा मम्मी पीछे से हंस रही है क्या? मैंने कहा मम्मी पीछे से पहुंच गई है। फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। अभी अंदर का नहीं दिखा रही हूँ, बाद में दिखाऊंगी। और रात हो गई बहुत। टाटा बाय बाय। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए।